रूम देखो, ये वही बंकर बेड, दो लोग यहाँ, दो लोग यहाँ इस बंकर बेड में, एक सोफा, एक फ्रिज, अलमारी, काम वाम करने के लिए टीवी वीवी दे दिए, बस दैट्स इट। चलो यार, हो गया हमारा तो आज का, सोएंगे अब। सॉरी, सोएंगे मैं कह रहा हूँ, सो लिए, अब पहुँच रहे हैं किचन में, अब बनाएंगे कुछ कुछ। बन गया है सुबह का नाश्ता, बनाए नूडल्स जो आएंगे इस टिफिन में, और ये लेके जाऊंगा मैं पैक करके, राइट। और ये यहाँ का मक्खन है, अच्छी बात है, इस मक्खन में थोड़े से हर्ब्स हर्ब्स होते हैं कुछ, पता नहीं, विद हर्ब्स। भाई बस हो गया काम, पैकिंग हो गई है, सब कुछ हो गया, निकल गए बैग वैग टांग के अपना वापस। आज हमें करना है एग्जिट यहाँ से, तो शायद यहाँ कोई होगा तो हम छुप भी देंगे, अदरवाइज होपफुली सी। हेलो, जाओ भी चेक मी आउट, थैंक यू। पर कॉफी 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 कॉफी, गो अहेड, आई डोंट हैव द, आई हैव द कॉइन्स, वेट। भाई कॉइन्स की शॉर्टिंग हो रही है, क्या चल रहा है? 50 cent, 50 cent. Give me, you have 10. I have 10, this is 10 cent, I don't know. Yes, put it back to you. Okay, but take one for me as well, right? Yeah, yeah, I have 7. I'll skip it, you know, yeah. This one? Yep. Sugar? शुगर ऐड, तो ये चीज़ बहुत कम डालते हैं। बट ये सर अरे वो चीनी कम पीते हैं लोग। यू डोंट नो द ड्रिंक? आई हैव 70. हां, दे दे फ्रॉम दिस, हां दवाई, हां दे दे फ्रॉम दिस, आई स्पॉन्सर योर कॉफी। स्पॉन्सर यू इन व्हाट? कॉफी कैफे, कॉफी कैफे, हां स्पॉन्सर यू दैट, डोंट वरी। भाई आ गई कॉफी हमारी, मैडम 70 सेंट अपने देंगी, देखो ना इंडिपेंडेंस दीजिए, बढ़िया है यहाँ पर। तो बाकी के चिल्ले यहाँ से लाते हैं नीचे से बाहर, और ये आ गए चिल्ले बाहर, राइट। या कॉफी तुम्हारी यहाँ है, ये लटक दी कॉफी, ये कप जो है ना इसके अंदर ही होता है, अंदर ही कप एकदम वैसे निकलता है बाहर, कॉफी आएगी और जो है इसमें कैप्स होते हैं, कैप्स में पता नहीं यहाँ कहीं लगे होते हैं, वो कैप्स नहीं है पर एक डंडी है अपनी कॉफ़ी हिलाने के लिए, तो वो ले लो आप, ये बस। चलते हैं बाहर, वहाँ से निकलते हैं, आज का सफर शुरू करेंगे, और मेरी कॉफ़ी लग जाए, मेरी कॉफ़ी लग जाए। हल्दीज, और देखो ये है यहाँ का हालात, आज अच्छा है, मौसम अच्छा है, आज थोड़ी सी धूप आ रही है। ये आंटी कल बहुत परेशान हो गई थी, बहुत ज़्यादा, कल भी और परसों भी कुछ चिल्लाई है कि हाँ लोग हल्ला मचाते हैं, ये करते हैं, राइट। और बाय बाय फ्लोरिडा हॉस्टल, लेट्स गो। तो अब जा रहे हैं हम लोग ओल्ड टाउन की तरफ, ओल्ड टाउन से हम लोग विल गो टू द बस स्टेशन, ओल्ड टाउन में मे बी विल ईट समथिंग, राइट? या एंड देन यू, क्योंकि क्योंकि इसने सिर्फ पनीर, या क्योंकि मिली ने सिर्फ पनीर खाया है,
बंद कर दो भाई, ये बड़ा ख्याल रखते हैं लोग। तो क्योंकि मिली ने सिर्फ पनीर खाया है, जस्ट एक पनीर, नॉट एग्जैक्टली पनीर, व्हाट वाज दैट, दैट वाज मोज़रेला चीज़। या सो शी एट मोज़रेला चीज़ एंड आई एट टू पीसेस ऑफ ब्रेड विद सम बटर, और मैंने जो वो बनाई है मैगी, मैगी के नूडल्स हैं एक्चुअली दैट आई मेड एंड आई केप्ट इट इन द बॉक्स। तो रास्ते में हम लोग कहीं भी अगर भूख लगेगी तो हम दोनों को खा लेते हैं। हालांकि मिली ने बोला कि वो नहीं खाएगी, पर मुझे पता है जब उसको भूख लगेगी तो उसमें भी मुँह मारेगी मारेगी टेस्ट करने के बहाने, तो ऐसा हो जाता है। मैंने चल ठीक है भाई, तू मत खाइए, खाना तो है इसको भी, ठीक है। तो चल रहे हैं हम ओल्ड टाउन की तरफ, लेट्स गो। स्विच ऑफ द इंटरनेट। चलो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ के घर, यहाँ के घर जो है वो बड़े खूबसूरत से लगते हैं मुझे, देख रहे हो आप, ये रिनोवेट हुआ है। अब आप देखो कितना सही है ना इसका डिज़ाइन, इसका डिज़ाइन देखो कितना क्लीन सा है, साफ सुथरा सा है, राइट। अपार्टमेंट्स, तो ये नए रिनोवेटेड अपार्टमेंट्स हैं, लाइट देखो उसकी, और ये इसके सामने देखो ये टूटा फूटा पुराना अपार्टमेंट है, लकड़ी का बना हुआ। और ये अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ के जो घर हैं वो ज़्यादा क्या कहते हैं, ज़्यादा वो लगता है ज़्यादा पैसे वालों के हैं एज़ कम्पेयर टू रीगा। तो पैसा लोगों के पास यहाँ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रीगा। और यहाँ ना अशरफ मसाज स्टूडियो है भाई, देखो मसाज पार्लर है। और ये कैथरीन का नेल कलेक्शन है, जो कल कैथरीन जी यहाँ बैठ के अंदर वो नाखून किसी के मैनिक्योर पेडिक्योर मैनिक्योर कर रही थी। हम लोग आपको दिखा रहे हैं यहाँ से पार्क, बिल्डिंग के साइड में यहाँ पार्क है। और ये हमारा ये धर्म निभाया हमारी मिली ने, और ये फेंकेगी डस्टबिन में, ये कुछ करे ना करे, ये बड़ा जल्दी करती है, डस्टबिन में फेंक दो, साफ कर दो, गंदा हो गया इधर, ये जरूर करेगी ये। Oh, we didn't took the spoon, sure. Yeah. I forgot, I thought maybe when we'll go, then at that time I'll take the spoon. How will I eat? No, we went to Capodelle, from Lido. Ah, okay. So they went in Lido, Capodelle. Oh, okay. तो ये है यहाँ का झूले, झूले जाले देख रहे हो आप। ऐसे हमारे भी लगाए हुए केजरीवाल ने जगह जगह ऐसे वाले मशीन्स, दिस काइंड ऑफ मशीन्स आर आल्सो गिवन इन इंडियन पार्क्स आल्सो, या सेम, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ऐसे वाला हमारे ऐसे नहीं बनाते बच्चों के लिए, और स्पेशली विद दिस काइंड ऑफ पैड्स, आई थिंक दिस इज रबर पैड्स, ये जो होता है ना ये रबर का पैड होता है, जैसे जिम में नहीं यूज होता हमारे वैसा है, तो इससे बच्चों अगर बच्चे गिरेंगे तो टूटे उनका हाथ पैर नहीं टूटेंगे। और ये हमारे ऐसे ऐसा नहीं होता हमारे ना पार्क्स में होता है, जो सोसाइटी के प्राइवेट पार्क्स हैं, पर यहाँ ये गवर्नमेंट पार्क्स है, गवर्नमेंट पार्क्स में नहीं होता। चलो लेट्स गो। देख रहे हो आप ये क्या कर रही है, देखो ये देखो मेरे ऊपर बैग टांग दिया इसने, देख रहे हो मुझे बना दिया झोली वाले बाबा, झोली वाला बाबा बन गया हूँ मैं, और ये खुद अपने बैग टांग बैग बैग नहीं टांग रही। ओके व्हाट वाज दैट वर्ड, चापलेस ने दिस दिस इज रशियन, यस दिस इज दैट स्कर्ट आई डोंट नो विद लॉन्ग लॉन्ग लेग्स लॉन्ग लेग बट लाइक ऑस्ट्रिच, ओके
तो एक वर्ड है मार्शल्स, स्वीट, यह भी केम फ्रॉम हियर अभी। एक वर्ड है मार्शल्स और मैं बोलता हूँ उसे मार्शल्स, ये बोलती है मैं गलत बोल रहा हूँ, मार्शल्स मार्शल्स नो। यह प्रॉब्लम यह है कि ये ना चा और सा के बीच का भी एक वर्ड इनका है, हम लोग कहते हैं चा या फिर सा, राइट? नो इट्स अब जो स स नॉट स स स इनका मिक्स, एक चा और सा का मिक्स है बीच का, इट्स समवेयर इन द मिडिल ऑफ चा एंड सा। नो यस नो इट्स नो हाउ नथिंग नो हाउ इट्स स स You pronounce like S. Exactly, that's what I'm pronouncing. So, don't throw your voice through mouth. You need to close your teeth and like with closed teeth say S. Chu. Not Chu. No. Chu. Do what try. Chu. 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 Time to practice. Chu. 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 भाई ऐसे वर्ड है ना इनके बीच के, चा शाह के बीच में भी चार वर्ड निकाल दिए हमने, और ये तो लैटिनिक स्टाइल ही दिए रशियन। हाँ लोती ग्रुती मींस वेरी डिफिकल्ट इन लैटिन, तो भाई रशियन तो और मुश्किल है, ये रशियन ही बोलती है, तो गिव मी अ टफ रशियन वर्ड, यू डोंट नो बिकॉज़ द एंटायर रशियन इज सो टफ। Why? How can she give us a tough word? क्योंकि पूरी रशियन भाषा ही बहुत टफ है भाई, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस रशियन, वेरी डिफिकल्ट स्पेशली इफ यू आर एन एशियन। हाँ ये what you said you were not pronounced? ехал грека через реку, сунул грека руку в реку, рак за руку греку цапнул. लो, वो भी छुट्टी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। गया टाटा बाय बाय खत्म एंड ऑफ वर्ल्ड माय गॉड यू विल गिव मी सच टफ वर्ड्स आई विल स्टॉप आई विल एवर नॉट नेवर एवर डेयर टू लर्न रशियन मैं देखो यहाँ आओगे ना लर्न लैथुएन बट डोंट लर्न रशियन बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट या यू विल से बिकॉज यू आर बॉर्न इन दैट लैंग्वेज और इनको तभी अभी भी ग्रामर नहीं आती अच्छे से देन व्हाट शी सेइंग बट दैट इज द राइट लाइक आपको यहाँ जब आओगे ना तो लैटवियन एंड रशियन लाइक नोबडी नोज वेरी परफेक्ट ग्रामर इवन इन लैटवियन एंड इवन इन रशियन यू नो परफेक्टली ग्रामर या परफेक्ट ग्रामर वी डोंट नो बट वी कैन स्टिल राइट परफेक्टली वी कैन राइट परफेक्टली हम लोग फिर भी सही है इस मामले में। चलो भाई यहाँ से रोड क्रॉस करना है ठीक है ओए बड़ी स्पीड में आ गई गाड़ी।